ये भारतीय सेना का हंटर किलर है। ये आत्मनिर्भर भारत की नई धमक है। ये स्वदेशी का दम है। सेना इसे अर्जुन कहकर पुकारती है। महाभारत के महाबली अर्जुन की तरह ही ये नए दौर का विध्वंसक है। शत्रु के पूर्ण सर्वनाश की गारंटी है। अभेद निशाना शक्ति अजय। अर्जुन सेना का अभेद हथियार है। युद्ध के मैदान में जब तक अर्जुन खड़ा है, तब तक दुश्मन अपने पांव जमाने की सोच नहीं सकता। सबसे खास बात यह है कि अर्जुन टैंक स्वदेशी है, भारत में ही डिजाइन किया गया है और बनाया भी गया है। वीर भी है, वीर भी है, सैन्य शक्ति एंड धैर्य शक्ति ऑफ अवर फोर्सेस आर रिमार्केबल। सेना के पास पहले से 124 अर्जुन टैंक है। अब नए तकनीक से लैस 118 अर्जुन MK-1A की ताकत भी सेना को मिल गई है। दो नए टैंक रेजिमेंट बनाए गए हैं। अर्जुन टैंक में 71 बड़े अपडेट करके Mark-1A वर्जन तैयार किया गया है। इनकी तैनाती पाकिस्तान बॉर्डर से चीन सीमा पर की गई है। पूरी तरह भारत में बनाया गया अर्जुन Mark-1 टैंक जंगी इतिहास के नए दौर की कहानी सुनाता है। इसकी खासियतों को ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि इस टैंक का नाम अर्जुन क्यों पड़ा। अर्जुन टैंक में 120 मिलीमीटर की बैरल लगाई गई है। सुपर वेग गोला बारूद किसी भी कवच को तोड़ सकता है। टैंक 7.62 mm मशीन गन और 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस है। टैंक में थर्मल अमेजर लगाए गए हैं। इससे गनर और कमांडर अंधेरे, धुएं, धूल और धुंध में भी तेज हमला कर सकते हैं। अत्याधुनिक GPS नेविगेशन सिस्टम अर्जुन को लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहने में मदद करता है। दिन और रात के साथ सभी प्रकार के मौसम में हमले की क्षमता है। टैंक में दमदार ट्रांसमिशन सिस्टम लगा है। बेहतर विजन से लैस इस टैंक से दुश्मन पर पहले वार करने की ताकत मिलती है। टैंक पर ग्रेनेड और मिसाइलों के हमले का असर नहीं होता है। टैंक में स्पेशल सेंसर लगाए गए हैं जो हमले से इसकी रक्षा कर सकते हैं। अर्जुन 60 टन का होने के बावजूद 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है और 500 किलोमीटर तक दोबारा ईंधन की जरूरत नहीं होती है। ये हंटर किलर है, यानी अपने लक्ष्य को ढूंढकर वार करता है। तो गर्व कीजिए कि हमारे वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों ने देश को विश्व स्तर का स्वदेशी टैंक देकर न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि लाखों डॉलर भी बचाए हैं।